नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे इंडियन डिफेंस सेक्टर के बारे में डिस्कशन होगी आज हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे इंडियन नेवी का और चाइनीज का आपको याद होगा एल्फ्रेड थायर महान की बात अगर आप एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हो अगर आप एक बड़ा प्लेयर बनना चाहते हो एट द ग्लोबल लेवल तो आपको समंदरों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ही सेड कंट्रोल कंट्रोल द द सीज दे विल अल्टीमेटली वर्ल्ड महान की यह बात थी जब उन्होंने एनालाइज किया ब्रिटिश एम्पायर को ब्रिटिश ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया कैसे वो बहुत सारे बड़े बड़े देशों को बड़ी पॉपुलेशंस को सब्जुगेट कर पाए कैसे उन्होंने कॉलोनाइज किया इवन इंडिया को क्योंकि उनके पास नेवल प्रोविज थी उनकी नेवी उनकी मिलिट्री माइट की वजह से उन्होंने सब्जुकेट किया एक इम्पीरियल एम्पायर सेटअप किया ये क्लियरली दर्शाता है इंपॉर्टेंस ऑफ सो नेवीज सोटी गोना टॉक अबाउट इंडियन नेवी एंड चाइनीज नेवी वी डू नो दैट चाइनीज नेवी इज प्लानिंग वे अहेड तो आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन नेवी का अप्रोच क्या रहा है डज इट मैच अप और नॉट एक छोटा सा कंपेरिजन करेंगे अबाउट द अप्रोचेस ऑफ चाइनीज नेवी एंड इंडियन नेवी टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी ऑन स्टडी आई क्यू मैं हूँ आपका दोस्त राहुल सायगांवकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आई डी पे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिव एग्जाम्स की देन डू विजिट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम या फिर डाउनलोड करें हमारा आप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक खबर के साथ कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ क्योंकि अगर हम लोग बात करें नवम्बर दो हज़ार इक्कीस की काफी अच्छा महीना रहा है इंडियन नेवी के लिए इंडियन नेवी के आई एन एस विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर कमीशन हो चुका है इसी महीने कुछ हफ्तों पहले आई एन एस विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर वॉज कमिशन बाई डिफेंस मिनिस्टर वेरी रिसेंटली इंडियन नेवी का जो सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आई एन एस वेला इट हैज बीन इट ज्वाइन द इंडियन नेवी तो काफ़ी अच्छी खबर है एक डिस्ट्रॉयर ज्वाइन हुआ एक सबमरीन इंडियन नेवी में ज्वाइन हुआ तो इन सब चीज़ों से एक सवाल जरूर उठता है

काफी अंडर रेटेड रही है मैं कहूँगा फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि अगर आपको याद होगा 1971 में हम लोग हमेशा 1971 की जीत की बात करते हैं इंडिया वन द डिसाइसिव वॉर विद पाकिस्तान बांग्लादेश वॉज लिबरेटेड अगर इस वॉर में आप इंडियन नेवी का योगदान देखें इट वॉज ट्रिमेंडस हम लोग कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडियन नेवी वी वन दिस डिसाइसिव वॉर ऑपरेशन ट्राइडेंट था इंडियन नेवी का ऑपरेशन कराची पोर्ट पे इन पाकिस्तान

चाइना की नेवल डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जवाब होगा नोट वो लार्ज एक्सटेंट बट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चाइनीज नेवल डोमिनेंस की चाइना की नेवल डोमिनेंस अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना कुछ ज्यादा कंपैरिज़न नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेवल प्रोवेस इन टर्म्स ऑफ पावर क्योंकि दे आर नाउ कंपेरेबल टू द यूएस अगर हम लोग 2020 की बात करें China का नेवल फ्लीट साइज इट ऑलरेडी सरपास्ट यूएसएस फ्लीट साइज आप देख सकते हो ट्वेंटी तो वेरी वेरी डॉमिनेंट और अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ सालों के पिछले एक दशक की बात करें तो चाइना एक चैंपियन बन चुका है शिप बिल्डिंग में दो हजार अठारह में पूरे विश्व की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी थी उसमें से फोर्टी परसेंट शेयर था चाइना का सेकेंड नंबर वे साउथ कोरिया डिस्टेंट सेकेंड विद मार्केट शेयर ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर हम लोग इसको एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में देखें जितनी शिप्स जितनी वॉरशिप्स चाइना ने 2019 में यानी कि पीस टाइम में बिल्ड की उतनी यूएस ने बिल्ड की थी 1941 से 45 तक यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगेन इट्स हिस्टोरिकल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट इन जनरली अगर हम लोग बात करें शिप बिल्डिंग इन चाइना इज समथिंग विच गोज एट वेरी वेरी ह्यूज लेवल 2014 और 2018 के बीच चाइना ने इतनी नेवल वॉरशिप्स इतनी एम्फीबियस वेसल्स वेसल्स उन्होंने बिल्ड की है जितनी इंडिविजुअल जो है जर्मनी इंडिया स्पेन यूके उन सबसे ज्यादा है हमारी इंडिविजुअल उन्होंने से भी ज्यादा उन्होंने 2014 से 2018 में अपनी नेवी में इंक्लूड किए हैं शिप्स इसके अलावा अगर पिछले पांच साल की बात करें पिछले पांच सालों में चाइना ने अस्सी से भी ज्यादा न्यू शिप्स अपनी नेवी में कमीशन कर चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने इस मिलिट्री बिल्डअप को ऑलरेडी एक थ्रेट बताया है उनके लिए वो खुद भी अपनी नेवल फ्लीट को बिल्डअप करना चाहते हैं तो अगर हम लोग चाइनीज नेवी की बात करें चाइना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और जब हम लोग बात कर रहे हैं कभी भी अभी अगले कुछ दिनों में तीसरा एयरक्राफ्ट भी कमीशन होने वाला ये खबरें आ रही हैं चाइना का टारगेट है कि 2030 तक वो छः एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्ड करें इसके अलावा उनके पास तैतीस क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स है फोर्टी नाइन फ्रिगेट्स है थर्टी सेवन कॉर्वे एटी सिक्स मिसाइल आर्म्ड कोस्टल पेट्रोल शिप्स बहुत सारी सबमरीन्स भी उनके पास फोर्टी सिक्स डीजल पावर्ड सिक्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और कंटिन्यूसली एड होती हुई जा रही है तो अगर हम लोग बात करें इंडिया वर्सेज चाइना लेट इज नॉट मेक अ कम्पेरिजन इन टर्म्स ऑफ नंबर क्योंकि अगर हम लोग नंबर्स में कंपेरिजन करेंगे तो हम खुद ही डिप्रेस हो जाएंगे and this in no way is a representative of Indian defence forces please try to understand right तो हम लोग इंडिया और चाइना की approaches को compare करते हैं numbers तो आपको अंत में एक idea आ जाएगा कि चाइना by the end of ट्वेंटी it थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी आपको इंडिया के नंबर्स के बारे में अंत में पता चल जाएगा लेकिन हम लोग अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं इंडिया का क्या अप्रोच है चाइनीज का क्या अप्रोच है अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन से अभी तक आपको चाइना के अप्रोच के बारे में पता चल गया होगा चाइना अपने नेवल बिल्डअप के ऊपर फोकस कर रहा है लेकिन अगर हम लोग इसी समय की बात करें इंडियन नेवी इंडियन नेवी का जो बजट में शेयर है वो डाउन होता हुआ है 2012-13 में 18 प्रतिशत शेयर था डिफेंस बजट का 18 नेवी को जाता था लेकिन अभी थर्टीन परसेंट हो चुका है ओनली 13 परसेंट ऑफ डिफेंस बजट इन 2019 एंड 20 इसको हाईलाइट भी किया था नेवी के एडमिरल करमबीर सिंह ने नेवी शेयर इन डिफेंस एलोकेशन हैज ड्रॉप टू थर्टीन इट इन एंड टर्टी यानी कि इंडियन नेवी इज गोइंग थ्रू अ क्रंच ऑफ फिनेस इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे अप्रोच की बात करेंगे चाइनज नेवी दैट इज पी एल एन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है वो अहेड प्लान कर रही यानी कि उनकी प्लानिंग इट इज वे अहेड ऑफ इंडिया अभी फिलहाल चाइना की जो शिप बिल्डिंग है वो फोकस कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी फ्लीट बनाएं वो फोकस कर रहे हैं बड़ी फ्लीट्स लार्ज डिस्ट्रॉयर्स एम्फीबियस वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्ड करने की बातें कर रहे हैं इनफैक्ट चाइना का जो वीक स्पॉट बताया जाता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर वो उसकी भी कैपेबिलिटी बिल्ड करने की मुहिम में लगे हुए हैं यानी कि चाइना का अप्रोच है कि बड़ी शिप्स बनाएं और जो भी वीकनेसेस है उसको रेक्टिफाई करें अगर हम लोग इंडिया के अप्रोच की बात करें इंडिया का सबसे बड़ा जो हम लोग कहते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास की जो शिप्स है जो हाल ही में पहली आईएनएस एन विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर कमीशन हुई है उसका साइज बताया जाता है 163 मीटर्स लॉन्ग 17 मीटर्स इन ब्रेड विद अ डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ऑफ 7,400 टन्स अगर हम लोग यही कंपेयर करें चाइना के साथ चाइना ने ऑलरेडी उनकी साढ़े टन की वेसल्स को बैक ट्रैक पे कर दिया है दे हैव मूव्ड अहेड ऑफ 7500 टन और उनकी रीसेंट डेवलपमेंट चल रही है ऑफ 13000 टन टाइप 055 फाइव क्लास डिस्ट्रॉयर्स तो आगे चाइना की जो नेवी में है वहां पे रेनाई क्लास डिस्ट्रॉयर्स आएंगे जिसकी क्षमता इंडियन शिप्स इंडियन डिस्ट्रॉयर्स से भी ज्यादा रहेगी सो इट दिस क्लियरली शोज द डिफरेंस इन अप्रोचेस और आई वुड से द डिफरेंस इन द टू नेवीज इसके अलावा इंडिया का टारगेट क्या है

ऑलरेडी चालीस से पचास शिप्स आर इन बिल्डिंग फेस जब जैसे बिल्ड होंगी दो हजार सत्ताईस तक धीरे धीरे कमीशन हो जाएंगी दो हजार सत्ताईस तक हम लोग एक सौ सत्तर शिप फोर्स इज नॉट अ डिस्कशन अबाउट नंबर इट इज अ डिस्कशन अबाउट द अप्रोच अब इससे हमें क्या समझने की जरूरत है हम लोगों ने एक सवाल उठाया था इज दिस वन सेवेंटी शिप फोर्स इनफ टू डिटर चाइना आई वु से not enough to defeat china but is it enough to deter is there minimum credible अगर नहीं है तो hai to what कि need ki 2027 तक या फिर 2030 tak hamare तक हमारे एक hona chahiye होना चाहिए ka नेवी का किस चीज पे कि कैसे हम लोग सक्सेसफुली डिटर कर सकते हैं चाइना को एंड पॉसिबली आगे चल के डिफीट भी कर सकते हैं दैट शुड बी आर फोकस इन द शॉर्ट टर्म एंड वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव प्लानिंग फ्रॉम द नेवल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो That is the ultimate conclusion of this discussion. Thank you for watching this. Jai